Welcome guys to the video. आज किस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द यूनिक बीस्ट एपिक खतरनाक इनसेन बिल्ड जो कि आप लोग ने बनाया है। कौन जीतने वाले हैं? ऑब्वियसली समझ रहे हो ना। तो हम दोनों मैप्स के बीच में टक्कर करेंगे और देखेंगे कि किसका मैप सबसे ज्यादा अच्छा होगा, आलोक का मैप या मेरा मैप। ओके तो आलोक एंड गाइस, आप दोनों को मैं दिखाता हूँ मेरा फर्स्ट बिल्ड। हाँ हाँ दिखा दे, तू क्या ही भाई दिखाएगा। ये देख आलोक, देख यहाँ पे मैंने क्या, मैंने मतलब नहीं बनाया बट ये मेरा बिल्ड है। मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा तेरे सामने एक बहुत बड़ा बुर्ज खलीफा। अरे भाई भाई, ये कितना बड़ा, ये आसमानों के अंदर घुस गया है भाई। इसको देखने के लिए तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा बड़ा है एंड इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी ज्यादा रियलिस्टिक टेक्स्ट दी गई है वो तू देख पा रहा रहेगा यहाँ पे। और प्लस इसकी जो हाइट है ना वो आसमान छूती है, जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा। भाई ये अंदर से खोखला है पर आपको बता रहेगा, बुर्ज खलीफा से हम लोग रियल लाइफ में एकदम आसमान के क्लाउड्स का व्यू ले सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे हम लोग अगर फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे तो सेम यहाँ पे ऐसा चीज होता है, यहाँ से अपन बादल देख पा रहे होंगे आप लोग। और अगर मैं यहाँ से खुद ही मारने की ट्राई करूँ तो मेरे को साल भर लग जाएगा भाई नीचे उतरने में। ओ भाई, एट द टॉप का व्यू कुछ ऐसा है कि यहाँ से तू सनसेट ले सकता है। तेरा बिल्ड एपिक था पर मेरे सामने नहीं टिकने वाला है। अब आलोक की बारी। तो आज की वीडियो को शाउट आउट जाता है विराट को। सो यार, अगर तुमको भी शाउट आउट चाहिए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। जो सब्सक्राइब करता है उसको शाउट आउट मिलता है दोस्त। तो अभी मैं तेरे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि पूरा कॉपर से बना हुआ है, लिटरली में असली जैसा। हे, तो ये है तेरा बिल्डा, तू ते को लग रहा है ये बुर्ज खलीफा के सामने जीत जाएगा? ऑब्वियस, क्योंकि ये एकदम सिमिलर है भाई। तुम देखे रहे कि लिबर्टी भी भाई एकदम कॉपर से बनी है और ये भी कॉपर से बने हुए, और ये खोखली नहीं है। पहली बात, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बना है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है यार, इसके हाथ में तो आग नहीं जल रही है, पर क्यों ऐसा हुआ? ये एक मैं पॉइंट ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं तेरे पॉइंट माइनस कर सकता हूँ। पर आग क्यों जलेगी, असली में भी थोड़ी आग जलती है, इसमें भी कॉपर लगा हुआ है, दिख रहा है? मेरे को लगा आग जलती है, तूने बोला इसलिए मैं मौके का फायदा उठा रहा था। और इसके तू अंदर भी जा सकता है, वाव। अरे हाँ हाँ, अंदर है, अंदर है, कौन बोला अंदर नहीं है, अंदर एकदम मस्त स्पर्श जैसा इन लोग ने बहुत कूल यू नो फाइव स्टार होटल बना के रखा है। अच्छा वाव वाव, ये क्या है भाई यहाँ पे, ये अंदर क्या बना के रखा है, वॉशरूम बना के रखेगा? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इतना रियलिस्टिकनेस। तो भाई रैंकिंग भी दे दिया जाए इसको, 5 out of 10। हेलो, तेरे मिलिट्री का नाम कभी सुना है? हाँ हाँ बिल्कुल सुना है भाई, इंडियन आर्मी। तो देखने के लिए जरा पीछे मुड़ जा, क्योंकि अब मैं गाइस एंड आलोक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आधी समुद्र, समुद्रों के बीचों बीच बना हुआ ये इतना बड़ा शिप जिसमें से लिटरली जेट्स टेक ऑफ होती हैं। ये देखो यहाँ पे एक जेट है और ये एक बहुत बड़ा शिप है, आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं एक बार दिखाता हूँ। आलोक जरा तू भी एक बार ध्यान से देखना, इसके अंदर तो सीधा जेट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं यार, ये INS विक्रांत की तरह लग रहा है पूरा। यहाँ पे जेट है, जेट के अंदर जरा पूरे कमरे बने हुए और लिटरली ऐसा फीलिंग आ रहा है जेट में बैठने का। चलो फिर, आई एम टेकिंग ऑफ दिस जेट, 3, 2, 1। अब जेट ठीक है बट तू अगर आजू बाजू भी देखेगा ना तो जेट के यहाँ पे आजू बाजू मिनी मिनी जेट्स हैं, देख ध्यान से। या बहुत एपिक लग रहे हैं यार ये भी। अरे ब्रो, ये इतना बड़ा कमरा है, इतना बड़ा कमरा है कि लिटरली में यहाँ पे अराउंड 10 to 4,000 माइनक्राफ्ट आर्मी प्लेयर्स यहाँ पे रह सकते हैं एट ए टाइम। बहुत ही एपिक बिल्ड लगा भाई, मैं इसको लिटरली में देने जाऊंगा 10 out of 9। और गाइस आपके सामने प्रेजेंट है एक लास्ट सिनेमेटिक व्यू इस पूरे शिप का, कि ओवरऑल शिप कैसा दिखता है एंड ये सब को शिप कैसा लगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंडो, तूने मेरे सामने प्रेजेंट किया था मिलिट्री शिप, तो मैं तेरे सामने प्रेजेंट करता हूँ और ये है एक टाइटैनिक की शिप, समझ रहा है तेरे को? टाइटैनिक शिप, टाइटैनिक शिप, टाइटैनिक शिप। और टाइटैनिक वाले ना मेरे से ये उधार लेके गए थे, उसके बाद मैं इसको पानी से निकाल के लाया हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कुछ ज्यादा ही नहीं बड़ी है, ये बहुत ज्यादा वास्ट शिप है यार। और ये शिप के अंदर एक खुद का स्विमिंग पूल भी है। मेरा ये लकड़ी जैसे छोटे छोटे घर दिए गए हैं, ये तुम्हारा फाइव स्टार होटल है। और ये है एक कैप्टन का कमरा, समझ रहा है? ये क्या है, ब्यूटी सैलून भी है क्या इसके अंदर? ऑब्वियस यार, हाथ पैर तर के मसाज, हेयर कटिंग सब होते हैं उधर। कैप्टन का कमरा कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, यहाँ पे तुमको बहुत सारे हैंडल्स, बार और मैकेनिज्म टाइप दिखाई देंगे, और ये सीट्स है,
समझ रहे कितना ज्यादा रियलिस्टिक है भाई फील्ड। इसको शीप बोलते हैं तो इसको मैं गधे का नाम दूं। जेलीना, जेलीना तेरी भी जेलीना। बात तो सही है। तो ओवरऑल हम लोग लुक्स की बात करें तो या ये बोट बहुत ज्यादा क्रेजी दिखने में लग रहा है। इसको रेटिंग दूंगा मैं 8/10। एंड यस, आपको मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर आपको ये सब मैप्स चाहिए तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहीं पे आपको जाके इन सबका लिंक मिलने वाला है अगर आपको ये मैप्स चाहिए तो। तो अब ये टाइम आ चुका है आलोक तुझे दिखाने का माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल से भी ब्यूटीफुल से भी ब्यूटीफुल जगह, जो कि तुम ठीक सामने देख पा रहे। भाई ये तो ठीक है, पर ये माइनक्राफ्ट के एंड के रास्ते पे बना है। ऐसा नहीं है, वो तो क्रिएटर ने वो लगा के रखा। स्टॉप, एडिटर बेइज्जती हो गई। अब मैं तुझे इस जगह की स्पेशलिटी बताता हूँ। बीच में चीज दिख रहा रहेगा कि बहुत बड़ा पानी का झरना है, उसके आजू बाजू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउसेस हैं। तो मैं इसको असलियत में रैंकिंग देना चाहूंगा 10/8। ऑडियंस आपकी बारी। तो अभी जो मैं बिल्ड प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो एक लावा का कुंड है यार, ये देखो। और ये लावा के अंदर दिख रहा है क्या, फ्लोर्स बने हुए। इस बंदे ने वोल्केनो प्रेजेंट किया है मेरे सामने। अच्छा, इसको रेट तो दे दे एक बार। 0/10। तो आपके सामने पेश है द लॉस्ट एंड सिटी, जो कि लिटरली में एक सर्कल के अंदर कैद है। ओ भाई, ये तो पूरा सैटर्न जैसा दिख रहा है। ये एक प्लैनेट है और इसकी ये आजू बाजू की रिंग है। एंड ये कितना ज्यादा बीस दिख रहा है यार, देख ध्यान से, क्या खूबसूरत है यार। तो इसका जो रिंग है ना, इसके अंदर एंड पोर्टल्स है या, और ये एक तरफ से नहीं है, चारों बगल से है। इस साइड भी है, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड। भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या है। सो आलोक, रेटिंग के बारे, हाउ मच रेट? मैं इसको देने वाला हूँ पूरे 10/10। भाई ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और खतरनाक है। आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स इज ओपन। तो ओके, मैं तेरे को एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसको देख के तू एकदम से हिल जाने वाला है, और वो एक रोबोट। रोबोट और एक्सप्रेशन चेंज भी होते हैं। तो कर, मेरे सामने रोबोट तो दिख रहा है मुझे, एक्सप्रेशन चेंज कर इसका। चल, वो तो मेरे को आता नहीं है। एक काम करो, स्नैपशॉट ले लो और स्नैपशॉट को सेव कर लो, देख लिया इसका इमेज कैसा दिख रहा है। मैं आया इधर, मैंने इधर लगाए रेडस्टोन। हाँ, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। ओ भाई, लाइट से एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, समझ रहा है इसमें कितना ज्यादा रेडस्टोन लगता रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोग ने फेस एक्सप्रेशन तो चेंज कर लिया इसका। भाई इसका दिमाग खराब हो जाता रहेगा इतने सारे कैलकुलेशन करने में। तो आलोक ने ये प्रेजेंट किया एंड आई विल गिव इट 6/10। ओके आलोक, वेलकम टू द इल्यूजन मैप। अब ये जो मैप मैं तेरे सामने प्रेजेंट करने वाला, वन ऑफ द बीस्टेस्ट इल्यूजंस होने वाले। ओके आलोक, तो जैसे कि अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहा है, तुझे यहाँ पे कुछ लकड़ियां दिख रही रहेंगी, स्ट्रेट स्ट्रेट आई मीन लाइंस दिख रही रहेंगे। तो जरा मुझे बताना तुझे ये कैसे दिख रहे हैं। भाई एकदम टेढ़े मेरे लाइंस लग रहे हैं, ऐसा लगता है कर्वी कर्वी लाइंस है पूरे। बट तू गलत है मेरे दोस्त, क्योंकि ये लाइन एक्चुअली टेढ़े नहीं है, ये एक इल्यूजन है। यस गाइस, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ये ऊपर से देखने में, जरा ऊपर आके देख, यहाँ पे देखो तो ऐसा लग रहा है पूरा टेढ़ा है। ऊपर से तो बिल्कुल टेढ़ा दिख रहा है यार, यहाँ पे जो लाइंस है एक्चुअली ये पूरे स्ट्रेट है, पूरे के पूरे स्ट्रेट है। अब आजा सेकंड इल्यूजन दिखाता हूँ। वो सेकंड इल्यूजन भी है। और आलोक कैसा लग रहा है तुझे? सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यार, घर मस्त दिख रहा है ना सामने से एकदम। हाँ एकदम मस्त लग रहा है यार, पर लकड़ी का घर है। ले गेट खोल दिया मैंने, जा। तो अबे ये क्या है, ये क्या है, मैं नीचे कैसे गिर रहा हूँ? एक्चुअली में ब्रो, ये एक पूरा का पूरा इल्यूजन है। बेसिकली तुझे बता दूं कि ये घर एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक टेढ़े वॉल पर बनाया गया है, और सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है मेरे को। एग्जैक्टली अब ये भी इल्यूजन यहीं पे खत्म नहीं होता है, एक और इल्यूजन। अलग तेरे नीचे तुझे क्या दिख रहा है ब्रो? भाई ऐसा लगता है कोई गड्ढा है। ये भी एक इल्यूजन है मेरे दोस्त। अरे हाँ, तू गड्ढे के अंदर जा रहा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। मैं भी जाऊं? हाँ जा। ओ गिर गया। अरे भाई ये तो पूरी चपटी एकदम प्लेन है। और ये मैप का विजेता मैं हूँ। ए भाई मेरी बारी बाकी है, रुको ना भाई थोड़ा। तो फेंटॉन, अभी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, जो कि इतना बड़ा है। ओ माय गॉड, इसकी हाइट कितनी है भाई, और इसके ऊपर भाई एक खास वाला क्रिसमस ट्री जैसा, मतलब स्टार रहता है ना वो बनाया हुआ है। ये एक्चुअली क्रिसमस ट्री छोटे छोटे ट्रीज के दम पे बना है, राइट? यहाँ से हम पूरे नजारे ले सकते हैं ये सीढ़ी के मदद से। ओ हो भाई, क्या विजुअल्स है यार यहाँ के।
मैं को तो उस तारे को छूना है जो कि टॉप पर पड़ा हुआ है, देखना है किसके दम पर बनाया। उसको अभी रेटिंग देने की बारी है। वैसे तू कितना देता है? 7 out of 10। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, डेफिनेटली यू ऑन द चैनल देन सब्सक्राइब। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय।